फ्राइडे मॉर्निंग इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वो ये होता है, कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त मौसम है, हवा चल रही है, खजूरें भी हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो माहौल है। तो आज का जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आज मैंने क्या किया आज सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने जो है जब उठा और मुंह हाथ धोया और सारा जो है वो रूटीन का आगाज़ मैंने कैसे किया, मैंने अपनी रूटीन का आगाज़ ऐसे किया कि जो रात को मैंने मटन बनाया था उसको मैंने अच्छे से गर्म किया और खाया। और साथ में मैंने आज अपने लोगों के साथ एक पॉजिटिव मैसेज शेयर किया। कि क्या मैसेज शेयर किया था, क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर की थी, जो इम्पॉर्टेंट बात मैंने शेयर की थी दोबारा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का फ्राइडे जो है वो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए लेसन लर्न बनाने वाला हूँ। लेकिन वो क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर की थी उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए हुए अगर भाई की वीडियो को देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो बात शेयर करने वाला हूँ। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे जिस तरह पहले सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है वो मैं बताता हूँ कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने शेयर की थी। वो इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि जब भी हम कोई काम बड़ी दिलचस्पी के साथ करते हैं, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, तो फिर क्या होता है उसका हमें जो है वो पे ऑफ होता है, यानी कि उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो वो ये होता है, कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो मैंने उसके ऊपर स्ट्रगल की, मैंने उसके ऊपर एफर्ट डाली और वो बहुत फाइनल प्रोडक्ट जो थी वो एक कुकिंग व्लॉग की सूरत में बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिली मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो और आपको अच्छा जो है पे ऑफ हो, तो फिर आप क्या करें, आप लोग स्ट्रगल करें, एफर्ट पुट करें। वरना अगर क्या होगा कि इसी तरह अगर मैं उसकी टेक केयर ना करता, उसका ख्याल ना करता, तो क्या होना था, वो चीज़ ख़राब हो जाती। बात तो सही है तो आप लोग भी जो है वो इस तरह से करें कि कोई भी अगर काम करते हैं तो उसको जी जान से करें, फुल स्ट्रगल 100% अपनी एफर्ट्स डालें, देन आपको उसका पे ऑफ होगा। अगर आप उसके ऊपर 100% एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो फिर आपको उसका पे ऑफ नहीं होने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह अगर देखें कि आप एज ए पर्सन अपने आप को देखें, आपने कितने अरसे से अपनी टेक केयर नहीं की। अब टेक केयर ये नहीं है कि कोई सुर्खी पाउडर लगाना और जो है वो कह सकते हैं कि आपने कोई जो है वो अपनी बार्बर के पास जाना, टेक केयर वो नहीं कह रहा। अपनी अपने ऊपर पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपने की है या नहीं की, इस चीज़ के ऊपर आपने देखना है। तो अगर आपने अपने ऊपर पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है और अपनी टेक केयर की है, अपना ख्याल रखा है, अपनी लर्निंग पे, अपना जो एक आपका जो बैंक है, अब आपका जो स्किल बैंक है उसमें आपने कोई नई स्किल्स ऐड की हैं या नहीं की, तो देखें कितने अरसे से अपनी प्रीवियस देखें कि आपने कौन सी ट्रेनिंग कोर्स किया था। तो जब आप इन सारी चीज़ों का एनालाइज कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अपने ऊपर एफर्ट्स करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे और भी काम करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मज़ा आया।